हेलो गाइस, तो मेरी लास्ट वीडियो आप सभी ने देखी है ना? कोई नहीं, अगर आपने ना भी देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। पर वो इस वीडियो के एंड होने के बाद देखेगा, पहले ये वीडियो पूरी देखेगा। ओके, तो पिछली वीडियो में गाइस मैंने आप लोगों से कुछ सवाल पूछे थे, जिसको मैंने आपको कहा था कि आप आंसर कमेंट में करके दें। तो जिनका सबसे पहले रिप्लाई आया है और करेक्ट 3 रिप्लाई जो आए हैं वो थे, फर्स्ट ज्योति शर्मा, उनके बाद रिप्लाई आया है गौरव शर्मा, फिर तीसरा रिप्लाई आया है शालिनी राज। आई रियली क्लैप फॉर यू ऑल 3, यू हैव गिवन करेक्ट आंसर। अब गाइस हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कोई भी डिजिट जो 5 से एंड करती हो उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को क्या क्या लेके बैठना है, पेपर पेन, और मेरे साथ साथ करना है। और मैं इस वीडियो में भी कुछ लास्ट में 3-4 सवाल पूछूंगी, उनके आप लोगों को आंसर देने कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और जिसका भी करेक्ट आंसर आएगा और जिसका भी रिप्लाई जल्दी आ जाएगा, मतलब फास्ट रिप्लाई जिनका होगा, जिन्होंने पहले कमेंट किया होगा, उनके नाम मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। तो गाइस यहाँ पे हमने डिजिट ले ली है जो कि है 25 पे जो वंस प्लेस है इसमें 5 आ रहा है। इट मींस जो भी डिजिट के वंस प्लेस पे 5 आएगा उन सारे डिजिट्स का स्क्वायर निकालने में ये ट्रिक काम आएगी। तो इस ट्रिक के लिए सबसे पहले हमें ये याद रहना ज़रूरी है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5, कि 5 का स्क्वायर क्या है। हमें पता है कि 5 का स्क्वायर है 25। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ लिख लेंगे 25 जो कि 5 का स्क्वायर है। अब जो भी डिजिट टेंस प्लेस पे होगी, या टेंस की बजाय अगर यहाँ 100 और टेंस दोनों होते तो जो दोनों प्लेसेस पे डिजिट होती उसके अगली डिजिट कौन सी है हम ये देखेंगे। तो 2 की नेक्स्ट डिजिट है 3, तो हम कर देंगे 2 × 3 जो कि है 6, और हम यहाँ 6 लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा 625। तो गाइस यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं जो डिजिट्स 3 नंबर रहती हो उनका हम कैसे करेंगे। नो वरी, हमारी वंस प्लेस पे 5 है, 5 का स्क्वायर 25 है, ये हम सबको पता है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले 5 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, 25 लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, 12 जो ये डिजिट है इसके नेक्स्ट डिजिट कौन सी है, वो 13 है, तो हम 12 × 13 करेंगे जो है 156, और 156 25, ये आ जाएगा 125 का स्क्वायर। अब हम देखेंगे वो डिजिट्स जो डेसिमल कैरी करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक ऐसे डिजिट ली है जिसमें डेसिमल हो। अब हमें क्या देखना है कि 5 जो है इसका स्क्वायर 25 है, हम वापस 25 यहाँ लिख देंगे बिना कुछ सोचे समझे, हमें 25 लिख देना है। 3 के नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4 है, तो हम 3 × 4 कर देंगे जो कि आएगा 12, और यहाँ पे 1225 आ गया। हम यहाँ डेसिमल देखते हुए यहाँ पे भी डेसिमल लगा देंगे, ये इसका स्क्वायर निकल जाएगा डेसिमल नंबर का भी। अब मैं आप लोगों को कुछ डिजिट्स दूंगी जिनको आपको सॉल्व करके कमेंट पे आंसर देना होगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने दिए हैं 2 डिजिट्स जो है 4, 5, मतलब 45 का स्क्वायर निकालना है, 6.5 का स्क्वायर निकालना है। अब एक चीज़ क्या याद रखनी है, मैंने यहाँ 25 क्यों लिखा है कि आपको इन्हें सॉल्व करते हुए 25 तो मेन रखना ही रखना है। तो 25 को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, कमेंट में आंसर दीजिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आंसर देना कमेंट में मत भूलिएगा। और मेरी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको जापनीज ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन टिल येट। बाय गाइस।